अगर आप नए नए पेटीएम में आए तो ये वीडियो पूरा देखना, यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप नई स्टार्टिंग करते हैं पेटीएम और उसमें आपको ये नहीं पता होता है कौन सा फीचर्स क्या काम करता है। हालांकि आप जहाँ पे ओपन करते हैं वहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है ऑल सर्विस का, ऑल सर्विस में भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारा काम कर सकते हो पेटीएम के थ्रू। तो वो सारा जो वहाँ पे जो भी जितने भी ऑप्शन दिए है और जितने भी फीचर्स दिए वो सारे फीचर्स क्या काम कर रहे हैं मैं डिटेल वाइज यहाँ पे बताने वाला हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। हालांकि कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिनके बारे में मुझे डिटेल वाइज वीडियो बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इन फीचर वीडियो लेके अलग से एक वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो कुछ भी यहाँ पे फीचर्स ऐसे हो सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं समझा दूँ कि कौन सा फीचर्स क्या काम करता है। तो आज का वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ साथ में बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों मैं आ चुका यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ मैं पेटीएम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। हालांकि मैं पेटीएम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन वो नहीं अलाउड करता, आपको पता ही होगा, मैंने कई वीडियोज में बता के रखा है और फिर से मेरे एक बार उल्लू बन गया क्योंकि मैं पर्सनली भूल चुका था पेटीएम अलाउड नहीं करता। और मैंने एक बार पूरा वीडियो बना के रखा था, उसके बाद मैंने देखा तो यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ ही नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब मोबाइल से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और भी फीचर्स दिए, पे सेंड मनी टू एनीवन, रिचार्ज एंड बिल्स, ये सारे फीचर्स तो आपको शायद थोड़ी बहुत आपको पता चल ही जाएगी। और हिस्ट्री, पेटीएम बैंक, पेटीएम वॉलेट, ये जो सारे फीचर्स है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो हो सके तो मैं आगे आने वाले टाइम में इस टॉपिक पर भी वीडियो बना के जरूर दे दूंगा। वेल यहाँ पे बात करें ये वाला जो फीचर्स है ऑल सर्विसेज, उस पर हम क्लिक करते हैं, मतलब कि इसमें क्या क्या सर्विसेज दिए जो क्या क्या काम करती है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ सर्विस ऐसे है जो कि आपने रिसेंटली यूज की होगी वो सारे यहाँ पे आ जाएगी। बट हमें सारे फीचर्स जितने भी फीचर्स दिए वो सारे देखने हैं, तो यहाँ पे फीचर्स वाला जो ऑप्शन उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे से, ठीक है। बट यहाँ पे जो साइड में दिए है वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये भी अलग है, इसके बारे में हो जाएगी तो इसके बारे में भी हम डिटेल वाइज वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे खासे वीडियोस आने वाले है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक क्रिकेट। फैंटास्टिक क्रिकेट मतलब फैंटेसी क्रिकेट, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है, अब आपको इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि अगर आप आईपीएल वगैरह देखते हो या मैच वगैरह देखते हो तो इसके बारे में आपने देखा ही होगा, मतलब सुना ही होगा। तो जैसे ड्रीम इलेवन है वैसे यहाँ पे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल, मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड के लिए आपको बोला जाएगा जो कि यहाँ पे आ चुका डाउनलोड करने के लिए, लेकिन मैं अभी फिलहाल डाउनलोड करने वाला नहीं हूँ। तो इसमें आप जो फैंटास्टी प्रिडिक्शन कर सकते हो, मतलब कि प्लेयर्स पे प्रिडिक्शन कर सकते हो, कोई टीम बना सकते हो अपनी जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ये डाउनलोड द ऐप नाउ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यहाँ पे बैक चले आते हैं और बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे है फ्लाइट टिकट, मतलब कि आप फ्लाइट की टिकट कर सकते हो बुकिंग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोमो कोड भी आप यूज करके कैशबैक ले सकते हो। यहाँ पे क्या अलग अलग है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, टू यानी कहाँ तक, और वन वे यानी कि एक बार ही जाना है वापस आना है नहीं आना, तो उसके बाद राउंड ट्रिप आप कर सकते हो, और कौन सी डेट पे, और एड रिटर्न डेट, कितने लोग हैं, कितने मतलब यहाँ पे इकोनॉमी रखना है वो, और इसके बारे में यहाँ पे सर्च करके फ्लाइट सर्च करके आप फ्लाइट चेक करके जो भी फ्लाइट आपको बुकिंग करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऊपर भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस ट्रेन ऑफर वगैरह वगैरह, तो ये सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे भी अवेलेबल जो कि मैं आके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए बैग चले आते हैं। ओके यहाँ पे पूरा बैग चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिये पेटीएम पोस्टपेड ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा, इसके बारे में एक और अलग से वीडियो आएगा, डिटेल वाइज वीडियो आएगा क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा मैं समझा दूंगा, मैंने जैसे पहले बताया थोड़ा बहुत मैं हर फीचर्स के बारे में समझा दूंगा, लेकिन जो भी मुझे समझाना होगा डिटेल वाइज वो इसका एक अलग वीडियो आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस फीचर्स में क्या है, आप जैसे मान के चलिए क्रेडिट कार्ड कोई कंपनी देती है, आप जितना भी मर्जी सेल कर दो यानी जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है जो भी करना हो कर सकते हो उस कार्ड के थ्रू, और उसके बाद पेमेंट आएगा मतलब बिल आएगा, तो वैसा यहाँ पे पेटीएम फर्स्ट मतलब पेटीएम पोस्टपेड है। बट यहाँ पे एक फायदा क्या है, यहाँ पे देखिए कितना पेमेंट मतलब कितना शॉपिंग कर सकते हो, 1 लाख प्लस कर सकते हो, जो भी करना कर सकते हो आपको पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू। बट यहाँ पे क्या है, 0%
इंटरेस्ट, मतलब कि मान के चलो आपने 100 रुपये की परचेस कुछ किया, 100 रुपये की खरीदी की, तो आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे, आपके बिल में 100 रुपये ही आएंगे। मंथली जो पेमेंट होता है, आपने 1000 का किया तो 1000 ही देना पड़ेगा। मतलब ये फायदा है, आप ये आपके पास अभी पैसे नहीं है और ये पेटीएम पोस्ट पर लेते हैं, तो आप परचेस भी कर लेते हैं और मंथली पेमेंट आएगा, तो आपको जितने आपने परचेस किया उतना ही पेमेंट आएगा, आपको देना होगा वापस, ठीक है, पोस्टमैन में। तो ये एक फायदा है, मतलब कोई भी पेटीएम इंटरेस्ट नहीं ले रहा इसमें। और जैसे कि मान के चलो कोई 1% 2% इस तरह का इंटरेस्ट होता है, तो जो 100 रुपये का खरीदी पे आपको 110 देने पड़ते हैं, 105 देने पड़ते हैं, इस तरह के जो होता है वो एक्स्ट्रा पैसा आपको कोई भी देना नहीं पड़ेगा। ये एक फायदा है इस पेटीएम में, ताकि आप यहाँ से 0% इंटरेस्ट के साथ आप जाओगे और गेट स्टार्टर करके आप पेटीएम पोस्ट पे लेते हैं, तो फिर आपको 0% इंटरेस्ट के साथ आप जो भी परचेस करते हो उतनी पेमेंट आपको देना पड़ेगा पोस्ट पेड के थ्रू, जो मंथली पेमेंट आता है, मतलब मंथली बिल आता है। तो ये आपको मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला या फिर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसके बारे में डिटेल वाइज वीडियो हम बनाएंगे। पहले यहाँ पे बैक चले आते हैं और यहाँ पर पेटीएम मनी पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसको पेटीएम मनी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, इन्वेस्ट करना है कुछ भी तो आप पेटीएम मनी में कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे अभी एप्लीकेशन हो चुकी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप ट्रेडिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो, वैसे ही यहाँ पे पेटीएम मनी में भी आप कर सकते हो। तो इसका भी एक अलग वीडियो है, क्योंकि यहाँ पेटीएम मनी एक पूरा एप्लीकेशन अलग है, तो इसका मुझे पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। वेल बैक चले आते हैं और यहाँ पे ओके, यहाँ पे पेटीएम फर्स्ट में क्या, पेटीएम फर्स्ट में भी सेम, मतलब कोई भी आप एंटरटेनमेंट के लिए आप जो यहाँ पे G5 है, वूट वगैरह G5, ठीक है, यहाँ पे G5 है, हीरोज, गेट बूट, गाना प्लस, ये सारे जो सारे सब्सक्रिप्शन ऐप होती है, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऐसे एपिसोड होते हैं, कुछ गाने वगैरह, आपको अगर इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आप पेटीएम फर्स्ट ले सकते हो। पेटीएम फर्स्ट में थोड़े बहुत डिस्काउंट मिलता है, और आप कोई पेमेंट रिचार्ज भी करवाते हो तो पेटीएम फर्स्ट का जो प्रोमो कोड यहाँ मिलता है कुछ, या वाउचर्स मिलते हैं, तो उसका यूज़ करके भी आप यहाँ से जो एप्लीकेशन होती है यहाँ पे G5 वगैरह सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसके मंथली जो भी होता है, ठीक है। तो इस पेटीएम फर्स्ट में ये है, नियर बाय स्टोर, आपके नज़दीक कितनी स्टोर है, मतलब ये क्या क्या है, तो वो यहाँ पे आपके आप चेक कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा स्टोर नहीं है, लेकिन एक फूड का है वो यहाँ पे शो कर रहा है, बट मैं ऐसे का एरिया में हूँ जहाँ पे गांव का एरिया हुआ बिल्कुल फ्री है, मतलब कि आजूबाजू कुछ ऐसा कुछ खास है ही नहीं, सिटी टाइप है नहीं। तो अगर आप सिटी में रहते हो तो आपके आसपास भर भर के यहाँ पर स्टोर आ जाएगी या रेस्टोरेंट आ जाएगी, तो यहाँ पे आके भी चेक कर सकते हो, हालांकि मैप में भी कर सकते हो। तो ये फीचर्स मेरे ख्याल से फालतू का था। एनीवेज यहाँ पे मूवी टिकट, बस टिकट और ट्रेन, तो ये तीनों फीचर्स सेम काम करते हैं, इसमें आप मूवी टिकट, ट्रेन टिकट और बस टिकट कर सकते हो, जो कि पहले मैंने बताया यहाँ पे फ्लाइट टिकट में भी अवेलेबल थे 4 ऑप्शंस। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स बात नहीं करें, क्योंकि टिकट बुकिंग करना एक आसान काम होता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके पास पेटीएम मॉल ओपन हो जाएगा और उसमें सारे भी गैजेट जितने भी होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये भी एक फीचर्स अलग कुछ काम का नहीं, क्योंकि पेटीएम मॉल में कोई भी बंदा यहाँ पे आके सर्च कर सकता है, तो यहाँ पे क्या देने का मतलब कोई भी मतलब नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फैशन में भी सेम है, फैशन पे भी क्लिक करेंगे तो पेटीएम मॉल ओपन होगा, फैशन स्टोर ओपन होगा, तो मतलब कपड़े वगैरह होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। बीकम मर्चेंट उसके बारे में बाद में करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे बता दूँ फ्री क्रेडिट स्कोर, इसके बारे में भी मेरी वीडियो बना कर रखा, डिटेल वाइज वीडियो बना कर रखा है, तो आपको मैं साइड में थंबनेल दिखा दूंगा, और नहीं दिखा पाया तो आप पेटीएम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, डिटेल वाइज वीडियो है, ठीक है। इवेंट्स की बात करें तो आजू बाजू आपके एरिया में आजू बाजू कितने इवेंट्स चल रहे हैं वो यहाँ पे आके आप देख सकते हो। तो इवेंट्स पे हम क्लिक करते हैं तो लोकेशन भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए आजू बाजू कितने भी इवेंट्स होंगे यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शो करेंगे। तो ये यहाँ पे है इवेंट्स के बारे में, मतलब देख सकते हो यहाँ पे अहमदाबाद का लोकेशन है मेरा, बट आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम बैक चले आते हैं, इवेंट के बाद यहाँ पे आता है हमारा लास्ट बिकम मर्चेंट, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मर्चेंटाइज, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज, मतलब कोई आपके आपके पास टी शर्ट मान के चलो टी शर्ट है वो आप बेचना चाहते हो, तो मर्चेंटाइज के लिए आप यहाँ पे आके बेच सकते हो। मतलब बिजनेस नेम आपको रखना है, बिजनेस कैटेगरी रखना है, बिजनेस सब कैटेगरी, और
यहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कोई भी अपडेट ले सकते हो। उसके बाद प्रोसेट पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करने होते हैं, इसके बारे में एक अलग वीडियो आएगा। अगर आप मर्चेंटाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ ऐड करके प्रोसेस पे क्लिक करना है। और बैक चले जाते तो आपको एक क्यू आर कोड की मिल जाएगा, मतलब कि आप अपना बिजनेस का क्यू आर कोड यहाँ पे गेट योर ऑन क्यू आर कोड, मतलब खुद का क्यू आर कोड मंगवा सकते हो पेटीएम का। तो बिजनेस आप करते हैं तो उसके लिए एक क्यू आर कोड भी मिल जाएगा आपको, और वो आप अपनी दुकान वगैरह में होता है तो लगा सकते हो, और कोई भी स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। तो ये है कुछ, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब ये सारे फीचर्स की भी अलग वीडियो आएगी, और जो मैं होम पेज पे बताया वो भी सारे वीडियोस फीचर्स की अलग वीडियो आएगी। दोस्तों इस तरह सारे फीचर्स काम करते हैं, और अगर आपको कोई भी इसमें फीचर्स में कुछ समझ में ना आया हो और आप चाहते हैं कि इसमें एक अलग से वीडियो बनाए या फिर डिटेल वाइज, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फीचर्स पे आपको डिटेल वाइज वीडियो चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हो कि मुझे इस टॉपिक पे डिटेल वाइज वीडियो चाहिए किस तरह से काम करता है, तो इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। बट आपको इंस्टाग्राम में मुझे कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।